गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमशेद स्टाइल ब्लॉग। सो गाइस, आज की स्पीड में बात करने वाला हूँ शमा MT15 वर्जन 2.0 बाइक के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, इस बाइक को लॉन्च किया था इंडियन ट्यूना मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा इस बाइक का क्रेज देखने को मिला था। बट अब जो है यमा की तरफ से एक बाइक और लॉन्च होने वाली है, जो कि अपकमिंग बाइक रहने वाली है। जैसे कि यमा MT15 वर्जन 2.0 जो बाइक थी वो 155cc सेगमेंट में थी, बट अब जो बाइक लॉन्च होने वाली है वो 125cc सेगमेंट में लॉन्च होने वाली, जिसका नाम है यमा MT15 125cc। तो इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और क्या इस बाइक के प्राइस रहने वाले हैं और क्या इस बाइक के लॉन्चिंग डेट रहने वाली है, तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स आपको बताने वाला। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन डिटेल्स के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला है 124cc लिक्विड क्यूलेट 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के साथ देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ बात कर लें इस बाइक के मैक्सिमम पावर की, जो कि आपको मिलने वाली है 14.7 HP विथ 10,000 RPM के साथ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम टॉर्क की, जो कि आपको मिलने वाली है 11.5 Nm विद 8,000 RPM के साथ देखने को मिलने वाली है। और आपको नंबर ऑफ गियर्स मिलने वाले हैं इस बाइक के अंदर, वो 6 गियर बॉक्स टाइप आपको मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इस बाइक के अंदर क्लिच के बारे में, तो क्लिच जो आपको मिलने वाली है वेड मल्टीवेल डिस्प्ले क्लिच आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में, तो माइलेज जो इस बाइक का रहने वाला है वो 47.3 km/l अप्रॉक्सीमेट अभी फिलहाल मिलने वाला। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस बाइक के टॉप स्पीड के बारे में, तो टॉप स्पीड जो आपको मिलने वाली है इस बाइक के अंदर वो 120 km/h अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलने वाली है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ इस बाइक के माइलेज के बारे में, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यमा MT15 वर्जन 2.0 जो बाइक है वो 155cc सेगमेंट में है और उसका जो माइलेज निकल करके आया है वो 50+ निकल करके आ रहा है। तो आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो बाइक है वो 125cc सेगमेंट में लॉन्च होने वाली, तो इसका माइलेज कितना निकल करके आएगा। तो गाइस, ये जो बाइक है इंडियन ट्यूना मार्केट में काफी ज्यादा धमाल मचाने वाली है। अब फ्रेंड्स, मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक के ब्रेक्स एंड टायर्स के बारे में। तो फ्रंट ब्रेक के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो फ्रंट ब्रेक जो इस बाइक के अंदर आपको मिलने वाले हैं वो 292 mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रियर ब्रेक के बारे में, तो 220 mm के हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं। ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील्स के साथ देखने को मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो ड्यूल चैनल ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो बाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एंड धमाकेदार इंडियन ट्यूना मार्केट में रहने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन एंड वेट के बारे में, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिलने वाला है इस बाइक का वो 160 mm का मिलने वाला है। सीट हाइट जो आपको मिलने वाली है वो 810 mm की मिलने वाली है और कर्व वेट जो आपको मिलने वाला है इस बाइक के अंदर वो 142 kg का कर्व वेट देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, जो कि आपको मिलने वाली 11 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल्स फीचर्स के बारे में, लाइक स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, ये सारे के सारे ऑप्शंस इस बाइक के अंदर आपको देखने को। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। और साथ साथ आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाला ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि आपको यमा MT15 वर्जन 2.0 बाइक के अंदर नहीं मिला था, बट इस बाइक के अंदर मिलने की संभावना है। और फ्रेंड्स, बात आती है इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, कि इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस क्या रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यमा MT15 वर्जन 2.0 बाइक के जो एक्सपेक्टेड प्राइस थे वो थोड़े से हाई लेवल में थे, बट इसके जो प्राइस हैं वो सिर्फ ओनली लो लेवल में ही रखे गए हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो 1,20,000 यानी कि 1,20,000 रुपये इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस रखे गए हैं। और ऑलरेडी प्राइस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हर जगह के अलग होते हैं, लाइक थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं बट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस बाइक से जितने भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मैं न्यू से न्यू अपडेट आपको देता। अब फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो बाइक है आपको इंडियन ट्यूना मार्केट में लाइक 2022 के लास्ट में देखने को मिल सकती है। अगर किसी वजह से आपको 2022 के लास्ट में देखने को नहीं मिली, तो ये जो बाइक है आपको 23 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।